सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई आज आप लोगों के सामने खड़ी है अपनी हुंडई की ग्रैंड i10। और भाई इस i10 में एक चीज़ अलग है, ठीक है, वो क्या है कि भाई ये वाली i10 अपनी CNG के अंदर है। तो CNG की मार्केट भाई बहुत ज़्यादा उठी हुई है इस टाइम, तो उसकी वजह से मैं आपके लिए लेके आया हूँ ग्रैंड i10 CNG के अंदर। ये वाला वेरियंट देख रहे हो भाई, ये स्पोर्ट्स वेरियंट है। स्पोर्ट्स वेरियंट में क्या क्या फीचर आपको मिलेंगे, क्या एवरेज वगैरह प्रोवाइड करेगी कंपनी CNG के अंदर इसका, ठीक है, वो बात करने वाले हैं। क्योंकि CNG की मार्केट इतनी ज़्यादा उठी हुई है भाई, अपनी एल्ट्रोस CNG में आ रही है, बलेनो CNG में आ रही है, मारुति की तो चलो ऑलमोस्ट सारी आ रही है, ठीक है, लेकिन अपनी CNG का मामला इस समय बहुत ज़्यादा कैड़ा चल रहा है। पेट्रोल से ज़्यादा अपनी CNG वाली गाड़ियाँ चल रही हैं, तो मार्केट CNG की बहुत ही ज़्यादा है भाई। आप कहीं भी CNG के स्टेशन के बाहर जाके खड़े हो जाओ, और किलोमीटर दूर लंबी लाइन लगनी चालू हो जाती है CNG के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले इस गाड़ी की बात करते हैं, तो इसमें जो ग्रिल देखने के लिए मिलेगी ना आपको, पियानो ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलेगी, ये आप कह सकते हो कि ग्लॉसी ब्लैक कलर में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। उसी के साथ यहाँ पर आपको DRL की प्लेसमेंट देखने के लिए मिल जाती है। DRL इसके इतने बेहतरीन दे रखे हैं भाई, देखो बॉडी के बिल्कुल अंदर की साइड है, मतलब एक फ्लो में है, एक होता है बाहर को निखरा हुआ सा, एक वैसा नहीं है भाई, ये बिल्कुल फ्लो में आ रहा है, देखो पूरा का पूरा फ्लो में है, ये देखो रहे हो ये। और यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए मिल जाता है भाई, एयर फ्लो वगैरह के लिए देखने के लिए मिल जाएगा। हुंडई के लोगो इसमें यहाँ देखने के लिए मिलता है, बोनेट के ऊपर, सॉरी बम्पर के ऊपर है भाई ये, ठीक है, लेकिन लोगो इसका थोड़ा सा अलग सा कर दिया गया है, इस वजह से कि मैंने पिछली बार भी कहा था वीडियो के अंदर। हेडलाइट कंसोल की बात करोगे तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। ये जो ग्लो कर रहा है भाई, ये DRL नहीं है, ये इसके अंदर क्रोम टाइप लगा हुआ है हेडलाइट के अंदर, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने के लिए मिलेगी, और यहाँ पर आपको टोइंग हुक देखने के लिए मिलेगा। टोइंग हुक काफ़ी छुपा के दे रखा है इसमें, अगर ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ आके टोइंग हुक देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे ये जो एरो सा बना हुआ है, इसे दबा के ये खुल जाएगा, ठीक है। साइड प्रोफाइल की बात करोगे तो यहाँ पे अपने टायर साइज़ की बात करते हैं, टायर साइज़ यहाँ देखने के लिए मिलेगा 175/60R15। और ये वाला जो टायर है भाई, ये अलॉय व्हील नहीं है, अलॉय व्हील जैसा लग रहा होगा आपको लेकिन अलॉय व्हील है नहीं है, ये ना आपका व्हील कैप है इसके अंदर, ये देखो जैसा अपने वेन्यू के अंदर है ना, सेम इसमें वैसे ही देखने के लिए मिलेगा, बस ये थोड़ा सा स्टाइलिश देखने के लिए मिल गया। और ये वाला जो मतलब वाइट कलर का काम है ना, ये इसमें और ज़्यादा निखार रहा है, तो दूर से देखोगे ना तो बिल्कुल ऐसे ही लगेगा आपको कि अलॉय व्हील है यहाँ पर ये, ठीक है। और VM की बात करोगे तो यहाँ ऐसे के देखने के मिल जाएंगे, इंडिकेटर यहाँ देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आपको डोर हैंडल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। ये वाला पिलर जो देखने के लिए, मिड पिलर आपको मैट ब्लैक कलर में देखने के लिए मिलेगा, ए और बी पिलर आपको प्यारा ब्लैक फिनिश उसमें बॉडी कलर में देखने के लिए मिलेंगे। भाई धूप ज़्यादा हो रही है ना, तो इसलिए थोड़ा सा इग्नोर करना विंडो, इसको भी छत पे हो तो भाई हवा भी बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ग्रैंड i10 की बैजिंग देखने के लिए मिल जाएगी, यहाँ प्यारा ब्लैक फिनिश देखने के लिए मिलेगी। ये वाला जो है ना आपको, ये भाई अपना रूफ रेल देखने के लिए मिलेंगे ब्लैक कलर के अंदर, शार्क फिन एंटीना प्रोवाइड किया गया है भाई, इसमें रियर वाइपर नहीं, लेकिन डीप फोकर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, फ्रंट और रियर दोनों डीप फोकर इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ग्रैंड i10 और नियोस की बैजिंग यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी, स्पोर्ट्स का लोगो यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, पूरी की पूरी ये लाइट नहीं है यहाँ पर, इसमें लाइट जो LED के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पर आपको कैमरे की प्लेसमेंट देखने के लिए मिल जाएगी, और उसी के साथ भाई अपना CNG है, तो भाई ऐसा कुछ आपको बोर्ड स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि काफ़ी सफिशियंट है, आप आराम से इसमें कोई भी सामान वगैरह रख सकते हो। प्रॉपरली बैग तो नहीं आप इसमें रख पाओगे, मतलब जो प्रॉपर आगे से नहीं रख पाओगे, पीछे से अगर सीट फोल्ड करके रख सकते हो तो वो बात अलग है, ठीक है। और यहाँ पे पार्सल ट्रे देखने के लिए मिल जाएगी, इसमें कोई भी हैवी वेट आप नहीं लोड कर सकते, क्योंकि ये तो थोड़ी सी हल्की सी है, ठीक है, तो कोई भी हैवी वेट इसमें लोड मत करना। पार्सल ट्रे है, कोई भी इजीली आप सामान रख सकते हो, मुश्किल से मुश्किल 2-2.5 किलो के समथिंग का मैं मान के चल रहा हूँ भाई, अभी प्रॉपर कंपनी का नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से 2-2.5 किलो बहुत है इस पर, अगर इससे ज़्यादा रखोगे ना तो ये बीच में टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ी सी स्टाइलिश सी है ना, तो वो सिस्टम आपको देखने के लिए मिलता है। काफ़ी वाइड इसका टेलगेट ओपन हो जाता है, तो वो अच्छी बात है, इजीली आप आराम से सामान वगैरह रख सकते हो, सर्वर आपका नहीं अड़ेगा, फ्यूल लाइट यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। उसी के साथ अगर अंदर चलोगे तो भाई आप डोर्स की बात करो, ड्यूल टोन में इंटीरियर आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आपको रियर में AC वेंट देखने के लिए मिल जाएंगे, आर्मरेस्ट में कोई भी प्रोवाइड नहीं किया गया है, ठीक है, और 12V का चार्जिंग सॉकेट देखने के लिए मिल जाएगा। हेडरेस्ट दो ही देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आपको फिक्स नहीं देखने के लिए मिलता है, एडजस्टेबल देखने के लिए मिलता है, वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आप देखो तो ये जो ग्रैब हैंडल है वो आपके देखो भाई फिक्स है, ठीक है, ये देखो ग्रैब हैंडल फिक्स देखने के लिए मिल जाते हैं। ऑल दो अगर आप बात करोगे कम्फर्ट वाइज, तो कंफर्ट इसमें आपको ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाता है, लेग रूम तो काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, हेडरूम की बात करो तो आपको ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाता है भाई, सही है, ठीक है। और ऐसा कुछ आपको डैशबोर्ड की लुक प्रोवाइड की जाएगी। अब आगे चलते हैं और आगे से सीट वगैरह की बात कर लेते हैं।
कि कैसा कुछ इसमें सिस्टम देखने के लिए मिल जाएगा। तो की बात करोगे भाई तो ऐसी कुछ इसमें की देखने के लिए मिलेगी, एक अपनी फ्लिप की देखने के लिए मिलेगी, एक अपनी नॉर्मल की देखने के लिए मिलेगी, सेम भाई अपने वेन्यू में भी ऐसी देखने के लिए मिलती है, दोनों की दोनों फ्लिप की मिल जानी चाहिए तो बहुत अच्छी बात होती, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करोगे फ्रंट गेट की तो ऐसा कुछ देखने के लिए मिलेगा डबल टोन में, यहाँ पर आपको चारों पार विंडो और अपना और भी फोल्ड और अनफोल्ड करने के लिए यहाँ देखने को मिल जाएगा, ये टोकल इन एडजस्ट करने के लिए मिल जाएगा, हाइट और बैक एडजस्टमेंट देखने के लिए मिल जाती है स्पोर्ट्स वेरियंट में आपको। यहाँ से की लगाते हैं, सीट को अपनी पूरी की पूरी पीछे करते हैं, पूरी पीछे करने के बाद क्या स्पेस निकल के आता है इसमें भाई लेग रूम का वो मैं दिखाता हूँ एक बार आपको। तो यहाँ भाई पूरी सीट पीछे करने के बाद भी ठीक ठाक इसमें लेग रूम निकल के आ रहा है अपना, तो काफ़ी सफिशियंट है। और यहाँ पर आप देखो एयर बैग आपको यहाँ सीट में भी देखने के लिए मिलेंगे, तो वो एक बेस्ट चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगी कि आपको साइड वाले एयर बैग देखने के लिए मिल जाते हैं। उसी के साथ यहाँ पर आप देखो फुल लाइट खुलने के लिए यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे गाड़ी को ऑन कर लेते हैं और भाई यहाँ पे देखोगे अपना ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ, यहाँ सीएनजी स्विच देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ से अपना हेडलाइट लेवलर देखने के लिए मिल जाएगा। अपने स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की बात करोगे तो यहाँ पे अपना टिल्ट देखने के लिए मिलेगा, टेलीस्कोपिक्स में प्रोवाइड नहीं करा गया। एक और बेस्ट चीज़ क्या दिखाता हूँ मैं भाई इसमें आपको, बेस्ट चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे आप देखो सबकी सीट बेल्ट के रिमाइंडर दे रखे हैं भाई, ठीक है। तो ये एक बेस्ट चीज़ मेरे को देखने के लिए मिली कि सबके सीट बेल्ट के इसमें आपको रिमाइंडर देखने के लिए मिलता है, नए वाली वरना में भी आई ऐसा ही है। और ये पूरा का पूरा आपको पियानो फ्लेक्स में देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ से आप सेटिंग वगैरह एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे डिजिटल स्पीड आपको देखने के लिए मिल जाएगी और यहाँ पे आपको भाई सेटिंग देखने के लिए मिल जाएगी इस वाले बटन से, टायर प्रेशर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, डोर लाइट वगैरह ये सारे फीचर्स आपको जैसे भाई अपनी मैंने अभी वेन्यू में दिखाया था पिछली वीडियो में सेम ऐसा ही है। ऑटोमेटिक हेडलाइट सेटअप इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप बात करो वाइपर कंट्रोल देखने के लिए मिल जाएंगे, उसी के साथ यहाँ पर ये देखो भाई ब्लू कलर की लाइट इसमें जली हुई है ना, ये देखो ब्लू कलर की लाइट इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी जो कि रात में टाइम में काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर अपना आरपीएम मीटर और राइट में अपना स्पीडोमीटर दोनों ही इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि बेस्ट चीज़ है। अपना सीएनजी का और उसका दोनों ही आपको निडल देखने के लिए मिलते हैं भाई, ये मेरे को काफ़ी अट्रैक्टिंग लगा, ठीक है। मेरे को भाई पर्सनली तौर पर निडल काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। यहाँ पर अपना आईआरवीएम की बात करोगे तो आईआरवीएम भाई यहाँ पर अपना देखने के लिए मिलेगा मैनुअल में, ठीक है। और डे एंड नाइट दोनों इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे लेकिन मिलेगा अपना मैनुअल के अंदर, ठीक है। उसी के साथ अगर आप बात करोगे यहाँ पे सनवाइजर की तो यहाँ पर आपको मिरर देखने के लिए मिल जाएगा और उसी के साथ यहाँ पे आप देखो तो नॉर्मल टिकट होल्डर देखने के लिए मिल जाएगा। तो कैसी लगी भाई आपको मेरे को वीडियो कमेंट्स में जरूर बताना। एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, हाँ देखो भाई एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ऑप्शन स्पीकर आउटपुट भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है इसमें, ठीक है। एक सी टाइप का चार्जिंग सॉकेट देखने के लिए मिल जाएगा और उसी के साथ अपना यूएसबी का सॉकेट देखने के लिए मिल जाएगा। जो अपना एसी है भाई वो अपना नॉर्मल देखने के लिए मिलेगा, ऑटोमेटिक इसमें आपको मतलब ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाला देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पे अपना हैंड ब्रेक और यहाँ पे टू कप होल्डर देखने के लिए मिलेंगे, एक बड़ा एक छोटा। यहाँ पे आपको फायर एक्सटिंग्विशर देखने के लिए मिल जाएगा बिकॉज ऑफ ये सीएनजी गाड़ी है। सीएनजी गाड़ी है तो भाई एक चीज़ चेक कर लेते हैं, गाड़ी स्टार्ट है अगर मैं इसे ऑन करता हूँ मतलब खोलता हूँ तो बंद होगी नहीं होगी, ठीक है भाई। देखो इंडिकेशन तो आने लग गई है इसमें, ये आ गई फ्यूल लाइट खुलने की इंडिकेशन आने लगी है, ठीक है। और गाड़ी बंद भी हो गई है तो ये सिस्टम है भाई, मतलब इसमें भी वो वाला सिस्टम दे रखा है जो अपना सीएनजी का मीटर खुलता है फ्यूल लाइट खुलते ही ये बंद हो जाएगा। तो ये सिस्टम बढ़िया लगता है भाई मेरे को, ये ना सेफ्टी वाइज सिस्टम बढ़िया है। अब उसे बंद करने के बाद हम अपनी गाड़ी ऑन कर लेंगे, लेकिन आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी देखने के लिए। 5 स्पीड का गेयरबॉक्स आपको किफ़ायती लगता है नहीं लगता है, यहाँ पे आपको डेड पेडल भी इसमें देखने के लिए मिल जाता है, ठीक। तो भाई अगर किसी को भी अपनी ये वाली गाड़ी लेनी हो ना i10 CNG के अंदर तो वो अपनी साइन होंडाई में आके कॉन्टैक्ट कर सकता है, लाल को आप ये देखने के लिए मिल जाएगा सिल्वर सिटी शोरूम के मतलब सिल्वर सिटी मूवी हॉल के बाहर, ठीक है। सिल्वर सिटी मूवी हॉल के बाहर मतलब साइड में आपको देखने के लिए मिल जाएगा ये अपना शोरूम साइन होंडाई, दीपक सर से आप आगे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कैसे लगी आपको मेरे को वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेक केयर एंड बाय बाय। और उससे पहले मैं एक चीज़ और बताता हूँ भाई, लव ब्लॉग्स वाले चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो अगर आपको डेली लाइफ का रूटीन जानना है तो, ठीक है। तो प्लीज़ भाई जाकर वहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो देख सकते हो, जिसे अच्छी लगी हो तो वो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नहीं लगी हो तो भाई मत करना सब्सक्राइब, आपकी मर्जी छोड़ दी उस पर, तो भाई आप करना या मत करना यहाँ पर भी आपकी मर्जी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर एंड बाय बाय।